श्री श्याम मित्र मंडल हाउसिंग बोर्ड द्वारा 5 नवंबर को श्री श्याम जन्मोत्सव का आयोजन सांस्कृतिक दुर्गा मंच हाउसिंग बोर्ड भिलाई में किया जा रहा है। इसकी पूर्व भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो हनुमान मंदिर हाउसिंग बोर्ड से आरंभ होकर विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई श्री श्याम मंदिर कादम्बरी नगर दुर्ग में समाप्त हुई। श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन 5 नवंबर को शाम 7 बजे से सांस्कृतिक दुर्गा मंच हाउसिंग बोर्ड में रखा गया है। आयोजन की जानकारी आयोजकों ने दी है। श्याम मित्र मंडल द्वारा प्रथम श्री श्याम जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने जिसे हम शुरुआत जो है कल की शोभा यात्रा से पुष्प वर्षा से प्रारंभ की जाएगी, जो कि ये निशान यात्रा शोभा यात्रा जो है हाउसिंग बोर्ड से कादम्बरी नगर दुर्ग श्याम मंदिर जाएगी पद यात्रा, जिसमें लगभग 200 से 250 लोगों की एंट्री आ चुकी है पैदल चलने के लिए। उसके बाद सेकेंड डे 5 नवंबर दिन शनिवार भजन संध्या का आयोजन किया गया है। भजन संध्या का आयोजन किया जिसमें बाबा का छवि जो है खाटू से आ रही है। कौन आ रहा भजन गायक? कौन भजन गायक में है? चैतन्य दादी जी आ रहे हैं जयपुर राजस्थान से, जो कि गौरव दत्त जी आ रहे हैं तिजारा राजस्थान से, अनुभव अग्रवाल जी आ रहे हैं टाटा नगर से। भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? भक्तों के लिए सभी के लिए वहाँ पर पहले सबसे पहले तो जोत की व्यवस्था है, सबकी जोत लेने की व्यवस्था है। उसके बाद सबकी भोग प्रसादी की व्यवस्था है, भोग भंडारा सबके लिए है, सबकी बैठने की व्यवस्था की गई है, इत्र वर्षा, फूल वर्षा और भव्य दरबार लगेगा, भव्य आयोजन। इस आयोजन का उद्देश्य है कि जगह जगह श्याम बाबा का कीर्तन होना चाहिए, जगह जगह श्याम प्रेमी बढ़ने चाहिए। देशवासियों से और दुर्गवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा मतलब अधिक से अधिक संख्या में आवे और इस भजन संध्या को की भव्यता को बढ़ाए, और जो कि मतलब इस स्तर का जो भजन संध्या जो है दुर्ग भिलाई में प्रथम बार हो रहा है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक लोग संख्या में आके और जो है इस भव्यता को भजन संध्या को जो है ना भव्य रूप दें।